स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आज से बजट सत्र शुरू, राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई शुरुआत। किसान महापंचायत गांव गांव चलाएगी अभियान, निकाली जाएंगी किसान अधिकार यात्राएं। भीलवाड़ा में जहरीली शराब का कहर, सीएम गहलोत ने जताया दुख। अब खबरें विस्तार से। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने तीन कृषि कानूनों, पूर्वी लद्दाख गतिरोध, अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ हुई और 1 फरवरी को अब बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जानकारी दी। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि हम सब मिलकर आगे बढ़े, सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़े, अपना कर्तव्य निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर किसान अब महापंचायत अभियान चलाएगी। किसान महापंचायत की ओर से प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही किसान अधिकार यात्रा भी निकाली जाएगी। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर किसान महापंचायत अभियान चलाएगी, वहीं प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में किसान अधिकार यात्राएं निकाली जाएंगी। हालांकि किसान महापंचायत ने लाल किले पर 26 जनवरी को हुई घटना पर विरोध जताया। महापंचायत की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी को लेकर गांव-गांव तक आंदोलन चलाया जाएगा। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि 26 जनवरी को हुई घटना ने 2 महीने से चल रहे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को झटका दिया है। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि ये सरकारी षड्यंत्र है। इन किसान मेलों में विदेशी निवेशकों को रिझाने की चिंता की गई है। उनकी प्रसन्नता को देखते हुए ये बिल ड्राफ्ट किए गए हैं। उनसे जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको कृषि उपजों के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त होगा। जिनको एकाधिकार प्राप्त होगा वे कृषि उत्पादों के कम दाम चुकाएंगे और उपभोक्ता की जेब से अधिक दाम वसूलेंगे। इस कारण से किसान उत्पादन करने वाला, गरीब उपभोक्ता खाने वाला, ये दोनों लुटेंगे। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, इसमें किसान खुद के खेत पर ही मजदूर बन जाएगा। हिंदुस्तान का किसान जो खेती में तज्ञ है उसको ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप तो जैसे कंपनी के वैसे खेती करना, और बाद में जब आपकी उपज पैदा हो जाएगी तब सेलेक्ट करेगी कंपनियां। आप क्या चाहते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या संशोधन हो जो आपके लिए हितकर हो? सबसे अच्छा तो यह है भारत सरकार इन बिलों को वापस ले ले। यदि उनको लगे कि नहीं ये तो हमारी नाक का बाल बन गया क्योंकि हमने विदेशी निवेशकों से प्रॉमिस कर लिया, उनको यदि ये लगे तो एक बीच का रास्ता निकाल ले। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून इसमें ऐड कर दे। माना जा रहा है कि ये किसान आंदोलन के रूप में कहीं ना कहीं जो भाजपा के विरोधी दल है उनकी एक चाल है, ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आंदोलन को उग्र किया गया। वहीं भीलवाड़ा के मांडलगढ़ एरिया स्थित सारना का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण अस्पताल में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। भरतपुर में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत के बाद अब जहरीली शराब ने भीलवाड़ा में भी कहर बरपाया। भीलवाड़ा के सारन का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सभी को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। उधर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। शराब दुकान दिखा पर सीएम गहलोत ने शोक जताया।
उन्होंने कहा मृतकों के परिजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। इस दुखांतिका में मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देना स्वीकृत किया गया। खबर बयाना से, जहां शिवगंज मंडी चौराहे पर स्थित गायत्री ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। वारदात में करीब 8 से 10 लाख रुपए के कीमती जेवर चुराए गए। बयाना के सभी व्यापारी वर्गों ने चोर न पकड़े जाने तक बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं पीड़ित सुनील ने बताया कि रात 8 बजे दुकान बंद कर घर गया था। उसने सुबह आकर देखा कि उसकी दुकान को चोरों ने काट कर अंदर रखे जेवरों को चुरा लिया है। उसने कहा कि मेरी दुकान बयाना कस्बे के बीच बाजार में है और पुलिस प्रतिदिन गश्त पर होती है, तो फिर कैसे चोर वारदात को अंजाम दे पाए। पुलिस प्रशासन को पूरी तरह नाकाम बताया जा रहा है। वहीं चोरों के हौसले बुलंद है। बयाना पुलिस ने मौके का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं आवश्यक जो भी प्रयास हैं इसके खुलासे के वो किए जा रहे हैं, सारे सबूत जुटा के कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो। डॉग स्क्वाड और हाँ, वो आवश्यक जो कार्रवाई है उस संबंध में साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड वगैरह फिंगरप्रिंट के लिए ये सारे बुला रहे हैं। दोनों शटर काट दी और तिजोरी भी काटने की कोशिश की, काटी है मगर कोई सामान नहीं गया, बाहर का सारा सामान चोर ले गए। करीब कितने लाख का? लगभग 4-5 लाख रुपए लगभग सामान ले गए। ऐसे डकैती की घोर निंदा करता हूँ। वो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है रात्रि गश्त की है। पहले हमारे बयाना में होमगार्ड मिला करते थे, अब वो एसपी साहब ने वापस ले लिए और शहर बड़ा है, इतनी बड़ी वारदात हो गई, पूरा समाज पूरा बयाना इकट्ठा हो रहा है। अगर हमारे का जो चौकी और होमगार्ड और पुलिस पर्याप्त मिल जाए तो हम इस समस्या से निजात भी पा सकते हैं, अन्यथा ये और बढ़ेगी, ये वारदात और बढ़ेगी। इसलिए पुलिस बल का पर्याप्त व्यवस्था रखें और होमगार्ड की चौकीदारी का पर्याप्त था। और इस घटना को एसपी साहब अपने दूसरे अंदाज से में हल्के में नहीं लें, क्योंकि ये घटना बयाना की इस तरह 1.5 घंटे में कटर काट के और पूरा सामान ले जाना ये पहली घटना है इस तरह की। तो एसपी साहब को निवेदन करें हम भैया पब्लिक मैन की तरफ से, ये कैसे भी ये वारदात रुकनी चाहिए। खबर जयपुर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है जिसमें कई सालों के कई प्रकरणों में फरार चल रहे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि पिछले कई सालों से कई प्रकरणों में फरार चल रहे वांछित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रामगंज पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया है। जिले में वांछित चल रहे और पुराने पेंडिंग मामलों में वांछित चल रहे तथा नशा करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी रामगंज बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में टीम द्वारा अलग अलग आधा दर्जन स्थानों पर दबिश दी गई और वर्ष 2018 के मारपीट और चोरी के प्रकरण में पुलिस थाना रामगंज ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी आरोपियों से अनुसंधान जारी है। मारपीट करने और मकान पे कब्जा करने और वहाँ का सामान चोरी कर ले जाने के आरोप में करीबन 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पे 5 व्यक्ति जो स्वीडन का NRI है उसके भी प्लॉट पर कब्जा करने और उससे मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। और 2 व्यक्ति हैं जो करीबन 2 साल पहले एक पिताजी के मकान पर मतलब पिता ने ही उनके खिलाफ रिपोर्ट दे थी, उसमें वांछित चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। कईयों के खिलाफ अपराधी प्रकरण दर्ज है, 2-3 व्यक्ति। खबर मंडावरा से, जहां निकटवर्ती ग्राम गुड़ा स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में समारोह आयोजित किया गया। गांव के भामाशाह नानकराम मीणा ने 11,000 रुपए की राशि स्कूल विकास के लिए भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय मीणा छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मदत्त मीणा ने भामाशाह का आभार जताया तथा दूसरे भामाशाहों से आग्रह किया कि स्कूल में और भी भामाशाह आगे आए और स्कूल के विकास में योगदान दे, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और एक अच्छा माहौल बन सके। खबर नागौर से, जहां जायल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित खेल मैदान का नवीकरण ग्राम पंचायत जायल द्वारा किया जाएगा। सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं और खिलाड़ियों को तैयारी के लिए सभी सुविधाओं से युक्त खेल मैदान मिलेगा। सरपंच जगदीश कड़वासरा ने बताया कि जायल कस्बे में खेल सुविधाओं की कमी के मद्देनजर युवाओं को लंबे समय से मांग थी कि खेल मैदान में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इसे लेकर ग्राम पंचायत द्वारा खेल मैदान में सुविधाओं का विस्तार करते हुए मैदान में स्टेडियम, ओपन जिम, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी मैदान,
खो खो, कबड्डी मैदान तैयार किए गए, जिसे सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं और खिलाड़ियों को तैयारी के लिए सभी सुविधाओं से युक्त मैदान मिल पाएगा। ग्राम पंचायत जैल में ग्राम पंचायत स्तर पर 1 करोड़ की बजट की लागत से खेल मैदान तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ है ग्राम पंचायत जैल के सरपंच श्रीमान जगदीश कड़वासरा जी, क्या कहना चाहते हो आप? ये ब्लॉक स्तर का विद्यालय है और इसमें खेल मैदान को लेकर काफी लंबे समय से युवा साथियों की, बच्चों की, छोटे भाइयों की मांग रही कि जैल में एक शानदार अच्छा खेल मैदान हो ताकि बच्चे कंपटीशन में अच्छी तरह से आगे बढ़ सके और सरकारी जॉब लग सके। बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों से बूढ़े तक सभी लोगों को एक मैदान में सम्मानजनक मतलब घूमने के लिए, खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छी और सुंदर व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहे और SDM साहब, VDO साहब और कलेक्टर साहब से हमने मांग की और उनसे कहा कि ये ब्लॉक मुख्यालय का बहुत बड़ा खेल मैदान है और शहर के बीच में है, इसमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था कैसे हो सके, इसको लेकर नरेगा से करीब 50 लाख की सैंक्शन स्वीकृत हुई और उसके बाद में पंचायत की निजी आय से भी काफी बजट यहाँ लगा और लगभग 1 करोड़ की लागत से इस खेल मैदान को बहुत शानदार विकसित करने का प्रयास जारी। भामाशाहों का क्या सहयोग रहा? कस्बे के जो भामाशाह है रमेश जी कांकाणी, राम स्वरूप जी कांकाणी, अपने अजोजा देवी जी, चैरिटेबल ट्रस्ट के संदीप जी कांकाणी के द्वारा इस खेल मैदान में बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। संदीप जी कांकाणी के द्वारा 1 लाख रुपए की इस खेल मैदान में विकास कार्य के लिए सहयोग दिया गया। रामस्वरूप जी कांकाणी की तरफ से 51,000 रुपए के इस खेल मैदान में सहयोग दिया गया और भी कई भामाशाह है जो ब्रजमोहन जी कांकाणी जो है उनके द्वारा इस विद्यालय के मुख्य स्वागत द्वार बनाने की बात कही गई है। साथ ही कई जो काम बाकी है जैसे रोड लाइट है, इसके 2 खेल मैदान के 2 बड़े स्वागत द्वार है, इसके अलावा और भी झूले हैं, ओपन जिम है, जिनके लिए भी हम भामाशाहों से प्रयास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी इसको बहुत ही अच्छा और सुंदर बना दिया जाएगा। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।